फॉल, ऑटम या मेरे केस में मॉनसून की शुरुआत होते ही क्रेविंग होती है गर्मा गर्म चीज़ों की, गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी, सूप। तो आज हम बना रहे हैं ये इटालियन हॉट चॉकलेट। इतना थिक है ये और इतना डिलीशियस है, घर में रखी हुई चीज़ों से ही बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। अगर बनाने वाले हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कैसा लगा। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 कप दूध, ये देखो 1 कप दूध लिया है मैंने एग्जैक्टली, और दूसरे मैंने कप में लिया है 2 चम्मच दूध। तो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इस 1 कप में, ताकि ये जो 2 चम्मच हम अलग से निकाल रहे हैं ना, वो इसमें बाद में मिलाएंगे। और ये जो 2 चम्मच दूध लिया है, इसमें मैं घोल के रख दूँगी कॉर्न स्टार्च 1 टीस्पून। बस वो 1 टीस्पून इसके अंदर घोल दूँगी, मैं मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी और साइड में रख दूँगी। और वो जो 1 कप दूध है, उससे हम बनाना शुरू करते हैं हमारा हॉट चॉकलेट। तो ये मैंने लिया है पैन, उसके अंदर मैंने डाला है वो 1 कप दूध, और उसके अंदर मैंने डाले हैं चॉकलेट को पीसेस करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैरामलाइज टेस्ट चाहिए था, तो मैंने ये कैरामल वाली चॉकलेट डाली है, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन कोको पाउडर डलेगा वो ऑप्शनल नहीं है। मैंने एक बड़ा सा टेबल स्पून भर के कोको पाउडर डाला है और सबको मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ। कोको पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना, तो ही हॉट चॉकलेट का मज़ा आएगा, ऑथेंटिक लगेगी। मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में थोड़े से लिंक्स हॉट चॉकलेट्स के, जो मैं यूज़ करती हूँ। अब ये स्टेज पे अगर आप नॉर्मल वाइट शुगर यूज़ कर रहे हो तो वो डाल दो, मैंने वो यूज़ नहीं की है, मैंने कोकोनट शुगर यूज़ की है, वो मैं लास्ट में डालूँगी। तो अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर वो कॉर्न स्टार्च वाला दूध। जैसे ही वो दूध डाला मैंने, हॉट चॉकलेट हो गया एकदम गाढ़ा। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। ये देखो इतना गाढ़ा हो गया, और रखा रखा गर्मी से ये और भी गाढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी थी कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर हमेशा गैस ऑफ करके डालना होता है, क्योंकि दूध फट जाता है। बस रेडी हो गया हॉट चॉकलेट। अगर बनाने वाले हो तो ज़रूर से बताना, बाकी के वीडियोज़ देखना, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।